अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर नासर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कनाल हाउस ड्राइंग को देखेंगे, एक कनाल के घर के नक्शे को देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये जो घर है ना, इस के दो हिस्से हैं, दो पार्टीशन हैं। ये देखें, ये 35 फुट 3 इंच और ये 35 फुट 3 इंच। यहाँ से ना ये जो सेंटर लाइन है, इधर से हाफ है। इन्होंने मतलब सांझी वगैरह जिसे कहते हैं ना, ये रखी हुई है अपनी याद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले ये जो है हमारा मेन डोर है, ये देख रहे हैं आप, ये 10 फीट का है, 10 फीट का है। इस यहाँ से हम एंटर होंगे सामने, ये जो हमारा हॉल वगैरह आ जाएगा, वाइड पैसेंजर ये है। उसके बाद साथ ये बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, और ये किचन है, ये भी किचन है। ये भी बेड हैं, अटैच बाथ हैं, ओपन स्काई है। इधर भी अटैच बाथ हैं बेड के साथ, और ये भी ओपन स्काई हैं। ये गली है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये गली छोड़ दी गई है ताकि आगे जाने के लिए, और ये भी आगे जाने के लिए गली है। और ये बेड और किचन, और ये बाथ है बेड का, और ये ओपन स्काई है। इधर भी ये सेम ही बना दिया गया। और ये जो सामने है ना गेट के, ये आपको दिख रही होंगी स्टेयर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से चढ़ा दी गई हैं। यहाँ से हम आप होंगे और ये इधर को चले जाएंगे, और ये जो है इधर को चले जाएंगे अपनी छत पे। और ये जो पीछे है ना बैक पे, ये है ओपन स्काई। सबसे पहले जो इसकी पैमाइश है ना, वो है इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जिसे हम कहते हैं, वो है 70 फिट 6 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो है 65 फिट 5.5 इंच। जी अब हम देखते हैं इनकी मेजरमेंट को कि किस तरह से इनकी पैमाइश और एडजस्टमेंट की गई है। सबसे पहले तो ये जो हमारा मेन गेट है वो है 10 फिट का। ये पिलर्स हैं, ये जो ब्लैक निशान लगा दिए गए हैं 18 इंच के। ये जो है सामने हाल होगा, ये 11 फिट 7 इंच का है चौड़ा। और उसके बाद ये जो बेड है हमारा, इसकी चौड़ाई है 18 फिट 6 इंच, और जो लंबाई है वो है 13 फिट 1 इंच। उसके साथ ये जो गली जा रही है, ये 3.5 फिट चौड़ी है। ये किचन आ जाता है हमारा, ये सिंक लगा हुआ है, ये चूल्हा वगैरह रख दिया गया है। किचन की जो चौड़ाई है वो है 9 फिट, और जो लंबाई है वो है 13 फिट 1 इंच। उसके बाद ये जो है ओपन स्काई आ जाएगी 2 फिट 7 इंच की। ये विंडो वगैरह छोटी लगा दी गई है। उसके बाद ये जो है बेड, इसकी चौड़ाई 20 फिट है, और जो लंबाई है वो है 12 फिट। इसको अटैच बाथ दे दिया गया, 5 फिट 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और 5 फिट 4 इंच इसकी लंबाई है। इसको भी ये विंडो लगा दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ये रोशनदान लग गया। उसके बाद ये बेड आ जाएगा हमारा साथ इसके, ये भी सेम मेजरमेंट का होगा, 20 फिट इसकी चौड़ाई है और 12 फिट इसकी लंबाई है। ऐसे इसको भी अटैच बाथ दे दिया गया है। और उसके बाद ये जो है ना ओपन स्काई दे दी गई है, विंडो लग गई है, रोशनदान आ गया। ये जो है बाथ है हमारा, इसकी भी वही मेजरमेंट होगी, 5 फिट 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 फिट 4 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद ये 3.5 फिट की गली आ गई है हमारी, सामने ये बेड होगा एक, इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 फिट 11 इंच, और जो लंबाई है वो है 12 फिट 9 इंच। इसको भी अटैच बाथ है, जिसकी चौड़ाई है 6 फिट 7 इंच और लंबाई है 5 फिट। ये रोशनदान है वेंटिलेशन के लिए, ताकि स्मेल वगैरह ना आए, अंदर हवा की क्रॉसिंग होती रहे। और ये है विंडो। उसके बाद ये जो है ओपन स्काई की विंडो है, विंडो है जो ओपन स्काई आ जाएगी, 2 फिट 7 इंच इसकी चौड़ाई है। ये किचन की विंडो है, ये साथ ही हमारा किचन हो जाएगा, 9 फिट इसकी चौड़ाई है और 12 फिट 9 इंच इसकी लंबाई है। ये चूल्हा वगैरह रख दिया गया ये वाला, और ये सिंक है।
उसके बाद ये जो हमारी इसके साथ ही आ जाएगी स्टेयर्स, यहाँ से अप हो रही हैं और ये राइट साइड पे ये मुड़ रही हैं ऊपर को, और ये लेफ़्ट साइड को मुड़ रही हैं, ये सेंटर से है। और ये इसकी बैक साइड पे है ना 2 फीट 7 इंच की गली, जिसे हम ओपन स्काई कहते हैं, वो छोड़ दी गई है। ये हमारा हाल आ जाएगा, ये वाला हाल आ जाएगा टीवी लॉन जिसे हम कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 फीट 9 इंच, और जो लंबाई है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल चौड़ाई जो है इसकी 20 फीट 9 है और लंबाई है 33 फीट 7 इंच। और इसकी दूसरी साइड पे ये जो बने हुए हैं ये सेम मेजरमेंट के हैं, ये देख लें जिस तरह से इधर बने हुए हैं उसी तरह से इस साइड पे भी बने हुए हैं। ये जो बेडरूम है वो भी सेम इसकी तरह है, और किचन भी ये ओपन स्काई भी वैसे ही है, अटैच बाथ हैं दोनों बेडरूम्स को और ओपन स्काई, ये भी वैसे ही आ गए हैं। उसके बाद ये किचन भी वैसे ही है जो इस तरह से है, और ये बेड भी उस तरह से ही है, बाथ अटैच है, ये भी उसकी सेम मेजरमेंट है, देख लें 6 फीट 7 इंच है, 6 फीट 7 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फुट इसकी लंबाई है। ये रोशनदान भी है, विंडोज़ वगैरह रखी गई हैं, 2 फीट 7 इंच इसकी गली है ओपन स्काई की, ये भी 2 फीट 7 इंच की हैं। और ये ना 2 पार्टीशन की हुई हैं, 35 फीट 3 इंच एक है इसे किया, 35 फीट 3 इंच एक इसी के, लेकिन ये जो बुनियाद है ना ये साझी रखी हुई है, हाल वगैरह भी इनका सेम आ जाएगा। अगर ये कल को मतलब पार्टीशन करना भी चाहिए सेंटर से दीवार वगैरह हो जाएगी, ये फ़िलहाल उन्होंने कहा था कि इस तरह से बनानी है जी। इस नक्शे के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।